हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले, काफी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है वेदांतों की तरफ से। वेदांतों के बारे में बताने की जरूरत तो मुझे है नहीं। ये क्या बोलते हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर सिखाते वगैरह हैं कुछ कोर्स वगैरह, या कुछ बच्चों को उनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ सीन है। ज्यादा मुझे तो पता नहीं है, बस इतना पता है कि बायजूस हो गया, इनकी तरह ही है ये, ठीक है। तो इसमें ओपनिंग अराउंड 1000+ है और कोडिंग बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। और लास्ट डेट आपकी 6 जून है और सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा देने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अरे चैनल पे न्यू हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाकी आप देख सकते हो मैं काफी वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, चाहे छोटी छोटी अपडेट ही क्यों ना हो किसी भी कंपनी से, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मुझे ईमेल आया हुआ था, वेदांतु इज हायरिंग फॉर एकेडमिक काउंसलर। एकेडमिक काउंसलर एक्चुअली होता क्या है ये हम आगे बताएंगे, क्योंकि वहाँ लिखा ही होगा, ठीक है। तो बाकी चलो हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आ चुके हैं, तो देख सकते हो एकेडमिक काउंसलर ओपनिंग आपकी 1000 है और एक्सपीरियंस बिल्कुल 0 to 1। अगर आपके पास 0 है और आपके पास 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आप देख सकते हो 3 to 3.2 LPA तक। तो अब आते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस स्टूडेंट पेरेंट्स फॉर देयर लर्निंग नीड्स थ्रू दी स्ट्रक्चर काउंसलिंग सेशन, फिक्स अपॉइंटमेंट्स, अंडरस्टैंड कस्टमर प्रोफाइल प्रॉब्लम टू एक्सप्लेन, देन क्रिएट नीड ए स्मार्ट लर्निंग एंड एडवाइस स्टूडेंट पेरेंट टू बाय वेदांतु सब्सक्रिप्शन एज सोल्यूशन, ठीक है। एक तरह के बोलते हैं ना, जैसे सेल्स की जॉब नहीं होती कि हाँ ये कर लो ये कर लो, उसी तरह बस ये डेस्क जॉब होगी और क्या, और फोन के थ्रू आपको करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे देखो सेल्स वाला आई गया, हैंडल दी ऑब्जेक्शन एंड प्राइस नेगोशिएशन टू जनरेट सेल्स रेवेन्यू और लर्न अपग्रेड वंस ओन प्रोडक्ट नॉलेज एंड सेल्स स्किल, ठीक है। बाकी आपको यही बताई दिया मैंने आपको सैलरी पैकेज और स्किल के बारे में, तो आपको यार यही कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बारगेनिंग वाली स्किल भी, क्योंकि तो ऑब्वियस ही बात है ना। और यहाँ पे देख सकते हो एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ठीक है। और क्या क्या और कुछ तो है नहीं। जर्नी की बात करें 4 मई की स्टार्ट हुई है और 6 जून इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो अगर आपको ये जॉब पसंद आई है, आपको लगता है कि हाँ मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आईटी फील्ड में बिल्कुल नहीं जाना है, तो आप ये जॉब अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ के सुनाई दी, आपको एक आइडिया सा मिल गया होगा कि आपको अगर सिलेक्ट होते हो तो आपको काम क्या मिलेगा। और आई थिंक काम तो ज्यादा मतलब कि वो नहीं है, बस सर खफाई वाला, ऑब्वियस ही बात है ना, किसी को समझाना है कि चीज बार 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 बताते रहना ना हर एक को, तो ये थोड़ा सा सीन है। बाकी आपके ऊपर है अप्लाई करना है नहीं करना है। सैलरी पैकेज काफी अच्छा दे रहे हैं, मैंने जैसे बोला 3.2 LPA, इतना तो आईटी कंपनीज में भी बड़ा ही मिलता है, जितना मतलब कि इतने राउंड वगैरह क्लियर करने के बाद, ठीक है। बाकी अब अप्लाई जरूर करना, मैंने हर बार कहा है अप्लाई करना जरूरी है, सिलेक्शन रिजेक्शन बाद की बात है, ठीक है। बस फिर होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।